डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब इस डाउट को देखते हैं। इसमें लिखा है कि सर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है या जो फॉर्म में लगाई है वही चल जाएगी। तो देखिए, अगर आपने जो फॉर्म में फ़ोटो लगाई है वो काफ़ी पुरानी है, तो फिर आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही ले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि दोनों ही फ़ोटो आप ले जाइए, वहाँ पर वो जिस हिसाब से उनको बता दीजिएगा कि ये मेरी पुरानी फ़ोटो, ये नई फ़ोटो है, सर ये वाली लगा दूँ या यही वाली, मेरे पास ये वाली भी रखी हुई है, मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है ना। वो जैसा आपको सजेस्ट करें वैसा आप रखिए। हालाँकि लेटेस्ट फ़ोटो जो होती है वही लगाई जाती है, तो आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तुरंत फ़ोटो खींच के आपको मिल भी जाएंगी, और उसको भी रखिए और पुरानी फ़ोटो को भी अपने साथ रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।